नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज मैं आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बात बताने वाला हूँ। वो क्या है कि हमारा 13 मई को ऑनलाइन टेस्ट है, जिसमें आएंगे चैप्टर 4, 15, 16, 17 और 18। तो मैं उन सब के बारे में एक समरी चारों चैप्टर की बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, यानी एज ए रिविजन आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था और उसमें से क्या क्या या किस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे ही मैंने ऑनलाइन जो आपका जो टेस्ट का बनाया है वो सिमिलर है, पर अपन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या पढ़ते हैं कि पूरा विस्तार से ब्रीफली उसको पढ़ते हैं, बट यहाँ पर अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिले हैं तो उनको हम सोल्व भी करेंगे, आंसर भी लिखेंगे, बट आपको थीम वो ही यूज करनी है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अपन करते हैं। मैं एक बार आपको शॉर्टली पूरे चारों चैप्टर की समरी एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रत्येक चैप्टर में है क्या और उसमें से क्या पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कैसे सबमिट करोगे। आई स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है, देखिए मैंने रिविजन लिखा 15 to 18, चार चैप्टर है और हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये 10th क्लास है और NCERT हमारा सिलेबस है और 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं। मैं चैप्टर बात करता हूं स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा 15th सर्कल से रिलेटेड है, सर्कल है और मतलब क्वाड्रेंट है, सेक्टर है, रिलेटेड टू सर्कल है टोटल। तो चैप्टर है वृत्त और वृत्त से संबंधित उस पर सवाल है, त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से टॉपिक है मेन जिन पे सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात में आपको इस टेस्ट के लिए और एग्जाम के हिसाब से दोनों तरह से बात कर रहा हूं मैं कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको 100% याद होने चाहिए। यहां कम से कम मैं आपको बता दूं तीन से चार फॉर्मूले आपको इस चैप्टर के इस टेस्ट में आपको मिलेंगे। यहां जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको आपको याद करना है, ढंग से लिख कर याद करना है और समझ के याद करना है, उनको कैसे यूज करते हैं, उनका यूटिलाइजेशन क्या है वो आपको समझना है। तो पहला पॉइंट चैप्टर के लिए आपको सारे फॉर्मूले 100% याद होने चाहिए। दूसरा, इन फॉर्मूलों का जो यूटिलाइजेशन होगा अकॉर्डिंग टू मी वो क्या है, जरा देखिए। जैसे मैं फॉर्मूला लिख दिया और जो फॉर्मूला सही था वो नहीं लिखा, मैंने गलत लिख दिया, पूछ लिया इट इज ट्रू, क्या ये सत्य है, क्या त्रिज्यखंड का फॉर्मूला ये होता है, मैंने सही की जगह गलत लिख दिया है, गलत या सही को सही लिख दिया और मैं ट्रू फॉल्स पूछा, तो आपको याद है तो आप देखते ही बता दोगे यस इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। तो फॉर्मूला बेस्ड ही हो गया हमारा सवाल। दूसरा, यहां पर हमारे पास एक तो है सेक्टर, सेक्टर को बोलते हैं अपन त्रिज्यखंड, ठीक है। दूसरा हमारा यहां पर सेगमेंट, सेगमेंट को हम बोलते हैं यहां पर वृत्तखंड, ओके। यहां पर हमें पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पूछ सकता है हमें, यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र तो हमें याद होना चाहिए, बात तो स्टार्टिंग में हो गई, इसको फाइंड आउट करना इन सबको पूछ सकता है। चाप की लंबाई याद कीजिए, जबकि थीटा का वैल्यू इतना है और त्रिज्या की वैल्यू इतनी है, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180 यूज करेंगे, फटाफट से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टेस्ट देने से टाइम से आप 10 मिनट पहले बैठेंगे, सारी सामग्री जो आवश्यक है वो लेकर बैठेंगे, एक ईमानदार से टेस्ट देना है, कोई नकल वगैरह नहीं करनी, हालांकि टाइम भी नहीं मिलेगा, इतने शॉर्ट टाइम में आपको इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं तो वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा। यदि आप ध्यान भटकाओ तो आपका पेपर छूटना ही छूट सकता है, बट उसमें से सही जाने के चांस कम हो सकते हैं।
तो ये तो बात अपने को, ये तो ऑप्शन ही नहीं है कि अपने को कहीं से चीटिंग करनी है। 100% प्योर अपने ईमानदारी से करना है सवाल और टेस्ट देना है। साथ ही मैं आपको बात बता रहा था कि सूत्र याद है, सूत्र में वैल्यू रखो, आंसर कैलकुलेट करो और ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है उस पर टिक करो। कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट जिसमें नन ऑफ दीज हो, समझ में आ गया? तो नन ऑफ दीज में भी आप देखिए कि कौन सा उसका नहीं है उत्तर, वो भी देखिए। ओके चलिए, इसके बाद लेंथ ऑफ आर्क हो गया और सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। ये मेनली तो तीन ही पार्ट है इसमें जो है, मेनली इसमें तीन ही पार्ट पूछे गए। बाकी परिधि पूछ ले, त्रिज्या पूछ ले, चक्करों की संख्या पूछ ले, ये सब सवाल भी इसमें इंक्लूड है। साथ में हमें इनके बारे में कोई डायग्राम, तो डायग्रामेटिकल कोई भी पोर्शन नहीं आएगा इसमें, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे डायग्राम वाले सवाल है अपने इस चैप्टर में, तो डायग्राम इसमें पॉसिबल नहीं है। बट डायग्राम में तो सिर्फ शो कर रखा है कि साहब इस छायांकित तो भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बट उसका डायरेक्टली सवाल भी तो बन सकता है। मैंने लिख दिया साहब, एक वृत्त की किसी जीवा केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती है और त्रिज्या इतनी है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यखंड का बताइए, लघु वृत्तखंड का बताइए, दीर्घ त्रिज्यखंड का बताइए, दीर्घ वृत्तखंड का बताइए। तो ये सवाल बन सकता है। डायग्रामेटिकल तो क्वेश्चन उसमें पुट नहीं होगा, बट उस थीम का सवाल आपको जरूर से मिल सकता है। तो ये हमारा 15 चैप्टर का जो समरी थी वो है, उसको गौर से देखिए आप। इसके बाद मैं चलता हूं आपको, चैप्टर नंबर है हमारा 16th, जो हमने अभी भी कंप्लीट किया है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें स्टूडेंट्स हम पहला, देखो मैं आपको बता दूं कि 15, 16, 17 और 18, तो ये चारों चैप्टर ऐसे हैं, उनमें से भी 15, 16 और 17 ये चैप्टर ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यदि किसी सवाल का आपको जो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये याद है, तो डेफिनेटली कह रहा हूं कि आपको उस सवाल के हाफ, आधे नंबर तक का काम अवश्य कर दोगे, उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 3 नंबर का सवाल है तो मैं श्योर हूं, 100% कह रहा हूं, 3 में से 2 भी मिल सकते हैं, वरना 1.5 तो श्योर मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, यदि आपको सूत्र याद है। क्यों सूत्र याद है? वैल्यू सवाल में दे रखी है, सूत्र में वैल्यू रखोगे, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गुणा भाग तो कर ही दोगे। इतना पार्ट यानी 60, 70, 80% का पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके होंगे यदि आपको सूत्र याद है। तो सूत्र याद नहीं है तो मैं कह रहा हूं आप 1% ही पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सूत्र लिखना, सूत्र में वैल्यू रखने के बाद सवाल की मेन बॉडी तैयार होती है, वो मेन बॉडी जब तक नहीं बनती आपके मार्क्स बनने के चांस नहीं होते 1% भी। सूत्र गलत है, आपने चाहे कितना भी लिखा है, 2 पेज भरे, कितनी भी बॉडी बनाई है, बट वो सारा बेकार है। तो सूत्र याद होना चाहिए। आइए, तो 100% फर्स्ट पॉइंट तो वही रहेगा इसका भी, इसमें फॉर्मूला थोड़े से ज्यादा है तो वो आपको 100% याद होने चाहिए, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, न मैं या आप, कोई भी हो। मेरे को भी यदि फॉर्मूला याद है तो ही मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। कोई भी हो चाहे, इवन मैं नहीं, कोई भी हो। नेक्स्ट, यहां पर हमारे पास में जो मेन मेन सवाल जो होते हैं जिसपे बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और उसके बेस्ट अपना टेस्ट भी आएगा, तो जैसे किसी एक को पिघलाकर, बाय हम किसी को मेल करके दूसरी फिगर को रिकास्ट करते हैं, एक को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाते हैं, तब जो कंडीशन फॉलो होती है उस तरह के सवाल ज्यादा आते हैं। या किसी एक से दूसरे को बनाया गया, जैसे वो सवाल था ना, कुएं से मिट्टी खोदी गई और चबूतरा बनाया गया, समझ में आ गई? एक बड़े गोले को पिघलाया और उससे अपने सिलेंडर बनाए या तार बनाया, समझ रहे बात को? या फिर अपने पास में जो एक जो हेमी स्फेरिकल अर्धगोलाकार पात्र था, उसमें कोई द्रव भरा हुआ था, उससे हमने उसको हमने इस तरह के पाइप्स में, यानी जो बेलनाकार आकृति है उसमें भर दिया, तो कितने पाइप भरे जा सकते हैं, कितनी बेलनाकार आकृतियां भरी जा सकती है उस द्रव से, उनकी संख्या बताओ।
या इस घन को पिघलाकर शंकु बनाए, शंकु की संख्या कितनी है, इस दीवार में कितनी ईंटें लग सकती है, ईंटों की संख्या कितनी है, समझ रहे मेरी बात को, या सिंपल में इस घन का वॉल्यूम क्या है, इस घन का विकर्ण क्या है, इस घन का आयतन क्या है, वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, बेलन, शंकु, गोला, इन सब के बारे में आपको मतलब डीपली देखना है, सूत्र वगैरह देखने हैं, इस तरह के सवाल आपको जरूर से इसमें से पिकआउट करने और सोल्व करने। किसी एक आकृति को जब पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है, इस तरह के सवाल ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आपको उनको ध्यान से देखना है। या फिर ईंटें कितनी लगी, दीवार में ईंटों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, इन ए वॉल, ये पूछा जाए तो वो आप ऐसा पूछा जा सकता है, तो वो भी आप तैयार रखें, याद करें उसको, देखें समझें, दीवार में ईंटों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन ए वॉल, ईंटों की संख्या, ये हमारा इसका तीसरा पॉइंट रहेगा जिसको हमें देखना है। ये रिकास्ट वाला आपको जरूर से ध्यान में रखना है, और बाकी सब के वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ है, या फिर जैसे मान लो किसी गोले की मान लो त्रिज्या दे दी आपको, तो गोले की त्रिज्या दे दी, इट मीन सब कुछ आ गया। गोले में यदि स्पीयर है, कंप्लीट स्पीयर है, तो उसमें रेडियस के अलावा कोई मेजरमेंट होता ही नहीं, कोई रिक्वायर्ड अदर यूनिट होती नहीं जो हमें चाहिए, केवल रेडियस चाहिए गोले में, गोले की रेडियस है, इतने समझना सब कुछ दिया हुआ। क्या पूछेगा उसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे सॉरी, बेलन, शंकु और घन घनाभ में वक्र पृष्ठ का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे बेलन है, बेलन तो ये है, बेलन का वक्र पृष्ठ ये वाला भाग है जहां मेरा हाथ टच हो रहा है, शंकु फुहारा छोड़ते हैं अपन दीपावली पर, उसका जो ढलवा भाग है, एक तो बार रखते हैं उसको जमीन पे, जो पेंदा टिक गया वो तो आधार है, बाकी जो ढलवा भाग दिख रहा है उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ये, शंकु का वक्र पृष्ठ ये, और घनाभ का और घन का वक्र पृष्ठ जो चारों दीवारें होती है ना, ये और सामने वाली और पीछे वाली, इन चारों दीवारों को वक्र पृष्ठ बोलते हैं, घन और घनाभ। तो इन चारों आकृतियों में वक्र पृष्ठ का अलग मीनिंग होता है, बट स्पीयर में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, वो 4πr² उसका सूत्र होता है, किसमें, स्पीयर, जो गोला होता है, जो स्पीयर में गोला जो होता है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि वक्र पृष्ठ होता ही नहीं है वैसे तो, या संपूर्ण पृष्ठ, ऐसे कोई वर्ड नहीं आते, केवल इन सब की जगह आपको मिलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले में सिर्फ यही वर्ड मिलता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट बात समझ में आ रही होगी आपको, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बता रहा हूँ, 100% ईश्वर की कृपा रही, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह के सवाल अपन पिकआउट कर रहे हैं, जिस तरह के सवालों की हम चैप्टर में से बात कर रहे हैं, वैसे ही सवाल आज तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं, कोई हटके नहीं है अलग से कुछ। तो इन सवालों को आप जरा गौर से देखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर जो बात कर रहा था मैं, थोड़ा सा दो पॉइंट और लूंगा इसमें, हालांकि ठीक है इतना, पर कुछ पॉइंट वो है इनसे रिलेटेड ही बताना चाहता हूँ। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसे बोलते हैं हिंदी में अपन संकेंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो और त्रिज्या अलग अलग हो, सकेंद्रीय वृत्त, कोसेंट्रिक जो सर्कल्स होते हैं, उन सर्कल से रिलेटेड जो पार्ट है उसको भी हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कोसेंट्रिक सर्कल की मैं बात करूं, एक सर्कल यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ वाला है, इसके बाहर एक और सेंटर बनाया,
सर्कल बनाया सॉरी उसी सेंटर से। तो इसमें हुआ क्या, रेडियस पहले इतनी सी थी, अब रेडियस बढ़ गई और क्या हुआ, एक और भी आए और आए और आए, क्या हो रही है, सेंटर सेम है बट रेडियस अलग अलग है, डिफरेंट है। तो जब सेंटर सेम होता है रेडियस अलग अलग होती है, तो इस तरह के जो सर्कल्स होते हैं उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, यानी ऐसे वृत्त जिनका केंद्र तो एक ही होता है बट उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती है। अब सेम त्रिज्या है तो एक ही वृत्त बनेगा, आप चाहे वहां 10 सेम त्रिज्या के वृत्त बनाने के लिए 10 बार पेंसिल को घुमाओ वह उसी पाथ से गुजरेगी, यानी वो सारे जो होंगे वो संपाती होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, उसी के ऊपर से घूमेगी हर बार पेंसिल। सेम रेडियस के 10 बार घुमाओगे तो वो सर्कल एक ही दिखेगा, यानी वो सारे संपाती होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, बट अलग अलग रेडियस है तो सर्कल अलग अलग बनेंगे बट सेंटर एक होगा। तो ये बात होगी, इससे घिरा हुआ ये पथ सा बन गया रास्ता। जैसे अपन सपोज करो कि हमारे गार्डन होते हैं उसमें बीच में फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, वहां पर दूब लगी है, हरी दूब लगी है, यहाँ इस चारों ओर बाहर एक पथ बना हुआ रास्ता बना होता है, या तो ईंटें लगी होती है या फिर दीवार होती है या फिर यहाँ पर पक्का आंगन फर्श डला हुआ होता है, उसपे लोग वॉकिंग करते हैं, घूमते हैं या इधर बैठे रहते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशंस होती है जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो। तो इसका यदि हमें एरिया पता करना हो, उसका बहुत शानदार तरीका है, अपनी भाषा में समझो। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ, इस बात के लिए अपने आपको इंकरेज करो कि जब डायग्राम आता है तो डायग्राम में आप अपना कॉमन सेंस यूज करो कि जो हमें पूछा गया है उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। तो इधर आइए, यदि मैं इस बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालू, पूरे बाहर वाले देखो, और बाहर वाली रेडियस को मैं कैपिटल आर से इंडिकेट करूं और अंदर वाली रेडियस को मैं स्मॉल आर से इंडिकेट करूं, तो बाहर वाले सर्कल का एरिया पाई और कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। जो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, या रेडियस कैपिटल आर से डिनोट है तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर से डिनोट है स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंदर वाले का निकाल, देखना यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, यहाँ पर सवाल सबको आता है, ऑब्जर्वेशन करो। यहाँ पर मैंने पहले इस पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया, फिर इस अंदर वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया, बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाला एरिया मैंने माइनस किया, तो ये पाथ यहाँ पर बच गया। समझ में आ गई? तो अंदर वाले का एरिया क्या होगा, पाई और स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों को सबट्रैक्ट करता हूं तो ये जो एरिया आता है वो आता है कोसेंट्रिक सर्कल से जो सराउंडेड, जो सराउंडेड एरिया होता है तो वो आपको फाइंड आउट हो जाता है, यानी दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाता है। इसी में मैंने बताया था आपको चक्रों की संख्या, पहिया घूमता है तो पहिए की रेडियस इतनी है, इतना किलोमीटर जाने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये भी है। एक घड़ी वाला सवाल भी है कि एक घड़ी के मिनट की सुई एक मिनट में कितना कोण बनाती है, तो घड़ी के मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस से वीडियो आप रिमाइंड करके देख लें, पीछे वाला वीडियो पड़े हैं अपने पास। और एक मैं पूछ रहा था आपको कि जो अपने पास चक्रों की संख्या आ गई, सॉरी हाँ, तो चक्रों की संख्या ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है कि दूरी बटा परिधि, तो ये तो मैंने सूत्र बता दिया, बाकी पूरे वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसका आप गौर से देख लें। और अपनी जो मिनट की सुई और घंटे की सुई की बात चल रही थी, तो मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है और घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का, हाफ डिग्री का कोण बनाती है, ये दोनों बातें याद रखनी है। यदि घड़ी से रिलेटेड सवाल आए तो घड़ी की जो सुई होती है, जिस भी सुई की बात करता है वो, यानी ऐसे, तो यदि घंटे वाली सुई है या मिनट वाली सुई है, सुई की जो लेंथ, सुई की जो लंबाई सवाल में देता है, वो लंबाई उस सवाल में त्रिज्या का काम करती है। और कोण निकालेंगे थीटा, तो यदि मिनट वाली सुई है तो जितनी मिनट दे रखी है उसको 6 से गुणा कर देना तो कोण आ जाएगा, घंटे वाली सुई है तो जितने मिनट दे रखी है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, कोण थीटा ज्ञात हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये अपनी बात हो रही, 15 में थोड़ा समय आ गया वापस, 16 की मैंने पॉइंट लिख रखे हैं आपको कि जो मैंने बताई, 4 पॉइंट लिख दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतनी।
और मैंने कल आपको 101% 16 चैप्टर पूरा करवा दिया था। मिसलेनियस के भी मैंने बहुत सारे सवाल आपको बता दिए थे, और ये बोला था कि बचे हुए जो सवाल हैं एग्जाम्पल है वो सब आप करेंगी। एग्जाम्पल फिर को भी मैं नहीं करने, बट सारे सवाल मिसलेनियस के विविध प्रश्न माला के सारे सवाल आपको फिर को भी करने, सही से करने, गलत सवाल फिर को भी नहीं करना है। होमवर्क सबमिट जरूर करना है और टेस्ट 100% सबको देना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ता हूँ मैं, दो चैप्टर की बात होगी अपनी नेक्स्ट में। हाँ मैं चैप्टर देखना 17 और 18। तो स्टूडेंट देखिए चैप्टर 17 की बात करता हूँ। 17 में ज्यादा कुछ नहीं है, है ना। 17 में हालांकि फॉर्मूला तो हमें याद होना चाहिए, वो तो 100% मैंने बता दिया आपको सब में है, फॉर्मूले का तो कोई मतलब रोल ही नहीं है। ये स्टैटिक्स से रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें आते हैं मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियन, ये तीन टॉपिक्स में चलते हैं। देखो सबसे पहले छोटे सवाल जो बनते हैं ऑब्जेक्ट चार्ट, वो सारे लगभग सवाल इस पे और इस पे बनते हैं। हालांकि इस पे बन रहे ऐसी बात नहीं, पर इस पे ज्यादा बनते हैं। जैसे पांच संख्या दे दी, ये पांच संख्याओं का माध्य कितना होता है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये उसका सॉल्यूशन होगा। और पांच संख्या में से चार दे रखी, एक छुपा दी और माध्य बता दिया, तो जो छुपाई गई संख्या ज्ञात करनी है, ये पूछा जाए वहां जो संख्या छूट गई छुपा ली हिडन जो होगी उसको एक्स मान लेंगे। फिर क्या करेंगे हम कि वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर माध्य होगा। राशियों योग में चार तो दे रखे उन्हें जोड़ देंगे, प्लस जो नहीं पता उसको एक्स लिख देंगे, बटे में पांच है टोटल संख्या, बटे में पांच हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बराबर में माध्य लिखा दिया हुआ उसको लिख देंगे, एक्स का वैल्यू पता हो जाएगा। या सिंपल वे में सवाल पूछे कि एक ऑफिस में 10 कर्मचारी काम करते थे और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5000 रुपये था, मतलब टोटल 50000 रुपये की सैलरी पर मंथ जाया करते थे। अब क्या हुआ, एक कर्मचारी रिटायर हो गया, ठीक है, और रिटायर होने के बाद जो सैलरी बनती है वो सैलरी 4800 रुपये बन गई, सबकी एवरेज सैलरी 9 बच गई, 9 चौक 36 और 9 अंटे अपने पास 36000 और 9 अंटे 43 और 243200 सैलरी अब टोटल बन रही है। पहले टोटल सैलरी सुनो ना, पहले 10 कर्मचारी थे, प्रत्येक को 5000 रुपये मिल रहे थे, तो एवरेज हम देखें, टोटल हम देखें तो टोटल 50000 रुपये सैलरी पर मंथ उस ऑफिस के कर्मचारियों को डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। बट अब एक कर्मचारी का क्या हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, वो रिटायरमेंट हो गया उसका, तो अब कर्मचारी बचे 9 और अब एवरेज प्रत्येक व्यक्ति को सैलरी मिल रही है 4800 रुपये, तो टोटल सैलरी कितनी बनी, 4800 को 9 से गुणा करेंगे तो 43200 आएगा। पहले सैलरी लग रही थी 50000, अब लग रही है 43200, यानी 6800 रुपये उस व्यक्ति की सैलरी थी जो रिटायर हो चुका है, जिसकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है। यदि आ जाता है तो बढ़ जाएगा, चला गया तो कम हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कम हो जाएंगे सेवानिवृत्त रिटायरमेंट होने। तो इस तरह का सवाल यहाँ पर मीन में बनेगा। यहाँ पर मीडियन की बात करता हूँ। मीडियन में क्या है कि आपको फैली हुई संख्याएं दे, 5, 7, 15, 20, 50, 100, 1, 9, 18 ऐसा कुछ संख्या दे दी। तो हमेशा याद रखिए मीडियन जब भी फाइंड आउट करना है, दी गई नंबर्स को आप पहले आरोही अथवा अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे। आरोही, आरोही पर्वतारोही, आरोही यानी छोटे से बड़ा, पर्वत पर चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं ना, आरोही अवरोही, आरोहण ध्वजारोहण, ध्वजारोहण का मतलब होता है ध्वज नीचे से ऊपर जाता है, है ना, अवरोहण ध्वजारोहण यानी आरोहण ऊपर जाना, छोटे से बड़ा होना, कम से ज्यादा होना, और अवरोहण यानी ज्यादा से कम होना, समझ में आ गया। तो मीडियन में जब भी आपको अनअरेंज्ड डेटा दे, जैसे 5, 7, 9, 20, 50, 6, 8, 9, 16 ऐसी संख्या दे दी, तो सबको छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में जो आपको अच्छा लगे उस एक क्रम में अरेंज कर देना है, कर दिया। फिर क्या है कि टोटल संख्या मान लो 10 है, तो 10 का आधा बिल्कुल नहीं होता 5, ध्यान रखना।
दस का आधा पांचवे नंबर की संख्या लोगे, देखना यहां पर, ये लो यहां लेता हूं मैं, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. इफ यू टेल मी दैट फाइव इज द मीडियन नंबर, इट इज रॉन्ग, बिकॉज मीडियन मीडियन इज ए वैल्यू विच डिवाइड द टू नंबर्स इन टू इक्वल पार्ट्स, बट फाइव हियर इज फोर, यहां चार नंबर है, यहां पांच नंबर है, कहां बांटा, बांटा बराबर भागों में, नहीं बांटा, तो क्या होगा, कॉमन सेंस से सोचो ना, मैं इसकी बात बाद में करेंगे. अपन इन दोनों को यदि मिडल में मानते हैं, चार इधर चार इधर, अब तो बात जम रही है, पर सर दो नंबर मीडियन कैसे बन सकती है, बन सकती क्यों नहीं, जिन दो को आप मीडियन के रूप में चुने चुना है आपने, उन दोनों को प्लस करो और हाफ कर दो, यानी टोटल 11 बाई 2, दैट मीन्स 5.5 इसका मीडियन हो गया. ओके सिंपल. और यदि यहां नंबर 11 होती तब तो कुछ कहना ही नहीं था, 11 आ जाए तो 11 नंबर क्या होता है, पांच इधर छोड़ दो, पांच इधर छोड़ दो, पांच इधर छोड़ दो, कौन हो गया मीडियन, छह अपने आप हो गए. इट मीन्स सिंपल वे में समझना है, सूत्र की याद रखने की जरूरत ही नहीं है. यदि जो अनअरेंज डेटा होते हैं, संख्याएं होती है, उनको पहले आरोही क्रम में रखना है. संख्याएं यदि विषम संख्या में, विषम है, 11 है, 9 है, 7 है, 13 है, 15 है, तो क्या करना कि जैसे मान लो 11 है तो 11 संख्या है, संख्या यहाँ 11 इसका मीनिंग नहीं 11, संख्या टोटल 11 है, तो 11 है तो 11 में एक जोड़ो, 12 12 का अदा करो 6, तो छठवे नंबर का जो पद होगा, छठवे नंबर का, यहाँ 6 की बात मत करना, जो यहाँ से गिनते आना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवे नंबर का पद है वो मीडियन कहलाएगा. यदि विषम संख्या में पद हैं तो पदों की संख्या प्लस 1/2, इसको हल करना, जितना आए उतने नंबर का पद इधर से काउंट कर लेना चाहे इधर से कर लेना, वो मीडियन कहलाएगा. बट नंबर ऑफ डेटा जो हमारे पास संख्या है वो यदि सम हो, 10 होती तो क्या करना, आधी इधर छोड़ी आधी इधर छोड़ी, बीच वाली दोनों को जोड़ के आधा कर देना. ये तो सिंपल मेरी भाषा में, मेरी लैंग्वेज में, आधी इधर छोड़ देना आधी इधर छोड़ देना, बचे जो दो उनको जोड़ के आधा कर देना, माध्यिका आ जाएगी. ये तो मेरी भाषा है, गणित की भाषा ये कहती है यदि सम संख्या में इवेंट्स होते हैं तो उनका आधा करो, 10 का आधा 5 और एक उससे आगे वाला, 10 का आधा 5 हुआ तो इधर से पांचवें नंबर का पद और एक उससे आगे वाला पद, दोनों को जोड़ना है और जोड़ के आधा. टोटल डेटा मान लो 16 होते तो 16 का आधा 8, इधर से आठवें नंबर का लेना था प्लस उसके प्लस में, आठवें नंबर का और नौवें नंबर का दोनों को जोड़ना है और जोड़ के आधा करना है, वो उसका मीडियन हो गया. ये मीडियन की बात होगी सिंपल वे में, और सूत्र सब याद रखने पड़े, उसको बोलो बात ही नहीं. यहां मोड की बात करें, मोड यानी बहुलक, मोड यहां इसको बोलते माध्य, बहुलक और माध्यिका या माध्यक, आजकल बुक में माध्यक लिखा आता है, बाकी पुरानी बुक्स में माध्यिका, दोनों का मीनिंग एक है, मीडियन माध्यक माध्यिका. मोड मतलब बहुलक और मीन मतलब माध्य होता है, समांतर माध्य भी बोलते हैं इसको, मीन को समांतर माध्य भी बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं इसको, औसत भी बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, ये सारे वर्ड इसके लिए यूज होते हैं. मोड, मोड का हिंदी में नाम होता है बहुलक. बहुलक वर्ड से सुनना, बहुलक जो बहुत बार आता है, यानी वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई है, वह राशि जो सबसे ज्यादा बार आई है वही बहुलक है. जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो बहुलक है. बारंबारता का मीनिंग होता है बारंबार आना, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा होती है. पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना, पुनः आना पुनः आना पुनः आना, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा होती है वो बहुलक कहलाता है. ये स्टूडेंट मैंने स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 17 के बारे में आपको विस्तार से बताया. इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अपने टेस्ट में भी इस तरह के सवाल आएंगे. फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 की. बहुत सरल है और चार नंबर पूरे पूरे बोर्ड एग्जाम में आप इसे ले सकते हो. थोड़ा सा ध्यान देना है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. हमेशा प्रोबेबिलिटी कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है. प्रायिकता जिसे बोलते हैं, प्रायिकता हमेशा कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है. इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती. चैप्टर 18 है हमारा और नाम है प्रोबेबिलिटी. देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है,
इसमें मेन मेन एक तो कॉइन पे डिपेंड आपको सवाल मिलेगा, सिक्का, सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, बस। दूसरे तरह का सवाल जो आपने कार्ड्स होते हैं ना, ताश के कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड कौन से, प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स हैं वो 52 होते हैं और इसमें फोर टाइप्स के कार्ड होते हैं, फोर टाइप्स के कार्ड होते हैं और इस टाइप के 13 13 कार्ड होते हैं और 13 को 4 से इंटू करो टोटल 52 कार्ड्स हो जाते हैं, 13 चौक 52। प्रत्येक में इक्का होता है, गुलाम होता है, एक बेगम होती है, एक बादशाह होता है। गुलाम, बेगम और बादशाह पे तस्वीर बनी होती है, फेस कार्ड बोलते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते टोटल होते हैं 12, यानी 4 तरह के हैं, हुकुम है, चिड़ी है और अपने पास लाल पान है और ईंट है। प्रत्येक में 13 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
26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, और प्रत्येक तरह के 13-13 पत्ते होते हैं। सब में एक एक गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम और बादशाह पे तस्वीर बनी होती है, बाकी पे तस्वीर नहीं बनी होती है। तो तीन तस्वीर वाले इसमें 3, 6, 9 और 12 टोटल तस्वीर पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं 52। आप देखिए सब चार इक्के होते हैं, चार गुलाम होते हैं, चार बेगम होती है, चार बादशाह होते हैं, प्रत्येक पत्ता चार चार होता है। तो इससे रिलेटेड आ सकते साहब, ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया, एक पत्ता निकाला गया, उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता, इक्के हैं कितने, चार, टोटल कितने 52, 4/52। तस्वीर वाला पत्ता होने की, फेस कार्ड होने की, फेस कार्ड है कितने 12/52। चिड़ी का पत्ता होने की, चिड़ी के पत्ते है कितने 13/52। काला पत्ता होने की, काले कितने 26/52। इस तरह के सवाल आएंगे जो आपको फेस करना है। कोइन की बात होगी, कोइन को एक बार उछालते हैं तो हेड आने की, टेल आने की प्रायिकता सदैव समान होती है। हेड आने की एक बड़ा दो, टेल आने की भी एक बड़ा दो। सिक्के को एक बार उछालते हैं दो रिजल्ट आते हैं, यानी सैंपल स्पेस बोलते हैं। किसी भी प्रयोग में जितनी संभावनाएं होती है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितनी भी संभावनाएं होती है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है, उन सबकी संख्या को सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि बोला जाता है, जिसे ऐसे लिखते हैं। सिक्के में एक बार उछालोगे तो दो होगी, दो बार उछालोगे चार होगी, और तीन बार उछालोगे आठ होंगे, कौन, सैंपल स्पेस। ये लो ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। और ऐसे ही बात करें अपन डाइस की, जो अपना होता है ना, क्या बोलते उसको, पासा, पासे की बात करें तो पासे में एक दो तीन चार पांच और छह, हमारे पासे में छह अंक होते हैं, टोटल सैंपल स्पेस 6 होते हैं। तीन सम संख्या होती है, तीन विषम संख्या होती है, और तीन ही होती है हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी जिसमें खुद के अलावा दूसरी का भाग नहीं जाता है, ये तो तीन तो अभाज्य, और ये वाली तीन जो मैंने लगा रखा है, ये डबल, ये लो डबल, ये लो डबल, ये वाला, ये वाला डबल वाला है, वो है सम संख्या, और ऊपर जो मैंने लिखी है वो तीन होती है विषम संख्या। तो इन तीनों की संख्या तीन तीन है, अभाज्य भी तीन है, सम भी तीन है, विषम भी तीन है। तो एक पासे को उछालने, एक बार उछालने पर सम संख्या आने की, विषम संख्या आने की और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता समान होती है, 3/6, 3/6, 3/6, 1/2, 1/2, 1/2। एक बार उछालोगे छह होंगे सैंपल स्पेस, दो बार उछालोगे 6×6=36 होंगे। समझ में आ गई? इसमें से भी सवाल पूछ सकता है, इसमें सवाल ऐसे आते हैं कि प्राप्त अंकों का योग 9 होने की, 9 से बड़ा होने की, 9 से छोटा होने की, इस तरह के सवाल इसमें से आते हैं। अब पासा हो गया, सिक्का हो गया, कार्ड सब हो गए, ऐसा कह सकता है कि एक कलश में लाल है, काली गेंद है, बिना देखे, बिना देखे मतलब रेंडमली, रेंडमली का मतलब होता है यद्रच है, एक वर्ड मिलेगा आपको यादृच है, उसको इंग्लिश बोलते हैं रेंडमली। रेंडमली का अर्थ होता है लॉटरी की तरह बिना देखे, छोटे बच्चे से निकालते ना, बिना देखे निकाला, तो बिना देखे निकाला, तो उसमें से लाल गेंद है, काली गेंद है, इस तरह का सवाल होने की हमें प्रायिकता पूछ सकते हैं।
दो बच्चों का जन्मदिन, लीप वर्ष, एलीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और एलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, जैसा इस साल जो 2020 में फरवरी जो फेब है वो 29 डेज की थी, ठीक है। और अदर जो ईयर्स होते हैं जो लीप ईयर नहीं होते हैं, लीप ईयर मतलब जो सन, जिस सन के अंदर, जैसे 2020 था, जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, कंप्लीटली जीरो से फुल बचता है, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे लीप ईयर कहते हैं, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसे ए लीप ईयर कहते हैं। समझ में आ गया? तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और ए लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, और दोनों ही वर्षों में 52 वीक, 52 सप्ताह है, पूरे पूरे होते हैं, 52 सप्ताह है, पूरे पूरे होते हैं, यानी 52 बार प्रत्येक वार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। तो सातों के सातों जो दिन है, सातों के सातों जो वार हैं, 52 52 बार दोनों वर्षों में पूरे पूरे आते हैं। फिर इसमें 2 दिन बच जाते हैं, इसमें 1 दिन बच जाता है, तो यदि कोई वार अब बचे हुए दिनों में से आएगा तो वो 53वीं बार आएगा। तो इसमें किसी भी वार के 53वीं बार आने की प्रायिकता 2/7 होती है, इसमें किसी भी वार के 53वीं बार आने की प्रायिकता 1/7 होती है। इसमें किसी भी दो बच्चों का जन्मदिन, किन्हीं भी दो बच्चों का जन्मदिन एक साथ आने की प्रायिकता 1/365, और नहीं आने की 1-1/365, और इसमें से किन्हीं दो बच्चों का जन्मदिन एक साथ आने की प्रायिकता 1/365 और नहीं आने की 1-1/366। ओके, और किसी काम के होने, ये भी याद रखना, किसी काम के होने प्लस उसके नहीं होने, होने और नहीं होने, इन दोनों प्रायिकताओं का जो जोड़ होता है वो सदैव एक होता है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 0 से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। प्रायिकता न तो माइनस में होती है न एक से ज्यादा होती है। ये सारी समरी इस 18 चैप्टर की मैंने आपको बताई है, और मैं 100% दावा करता हूँ यदि मैंने जितनी समरी आज बताई है उतना पोर्शन भी यदि आपको याद हो तो ये जो पोर्शन बना है 4 नंबर का, ये है 6 नंबर का सेवनटीन है, 4 और 6 10 हो गया, और अपने पास जो बाकी जो बच गए 2 चैप्टर और बच गए, यानी 20 मार्क्स का जो अपने पास अप्रोक्सीमेट 20 लगभग 3 और 1 4 लगभग 18 नंबर का पोर्शन है, इन 18 में से 15 नंबर पक्का 101% आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ अच्छी तरह देखें समझे। हमारा टेस्ट सोमवार से स्टार्ट होगा, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को 3 दिन चलेंगे, और प्रत्येक 3 विषयों के टेस्ट होंगे। तीनों विषयों का सिलेबस आपने पूछ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और कोई दिक्कत हो सर से बात कर लेना, और पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को, प्रत्येक विषय को ढंग से पढ़ना है, सब बच्चों को टेस्ट देना है और अच्छी तरह से स्कोरिंग करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।